नमस्कार, माइंडरूट फाउंडेशन के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मुदिता और आज हम जानेंगे कि अगर आप डिप्रेशन से गुजर रहे हैं तो वो ऐसी कौन सी 7 बातें हैं जिनका आप खास रूप से ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि अगर आपने उनका ध्यान नहीं रखा तो आपका स्ट्रेस लेवल और भी बढ़ सकता है। तो आइए उनके बारे में जानते हैं। अपनी भावनाओं को दबाना। बहुत बार होता है कि कोई भावना या विचार हमारे दिमाग पर इतना हावी हो जाती है कि हम कब डिप्रेशन की ओर रुक कर जाते हैं हमें पता भी नहीं लगता। ऐसे में हमें अपने करीबी दोस्त या परिवार के लोगों के साथ अपनी भावनाओं, अपने विचार को साझा करते रहना है। अकेलापन। अकेलेपन की स्थिति में हम और भी ज़्यादा असहाय और उदास महसूस करते हैं। ऐसे में मन में हज़ार तरीकों के ख्याल आ जाते हैं जो हमको और भी ज़्यादा डिप्रेस्ड कर सकते हैं। ऐसे में अकेला रहना ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें। नशे का सहारा लेना। जब हम अपने आप को बहुत समय तक एक समस्या से जूझता हुआ देखते हैं तो हम स्वतः ही किसी नशे की ओर अपने आप को झुका हुआ पाते हैं, जैसे कि शराब, धूम्रपान इत्यादि। इससे हमारी मेंटल स्टेट और भी ज़्यादा इफेक्ट हो सकती है, तो नशे को पूरी तरीके से अवॉइड करें। स्वास्थ्य से अनदेखी। जब हम बहुत समय से डिप्रेसिंग स्टेट में होते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे खाने की मात्रा, समय और तरीका सब इफ़ेक्ट हो जाता है। या तो हम बहुत ज़्यादा इमोशनल ईटिंग करते हैं और हमारा वज़न बढ़ जाता है, या फिर हम देखेंगे कि हमारा वज़न बहुत ही ज़्यादा घट जाता है। हम जितना अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे हमारा मानसिक स्वास्थ्य उतना ही प्रबल रहेगा। इसलिए हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें और एक हेल्दी डाइट मेंटेन करें। सेल्फ मेडिकेशन। आपने अक्सर अपने आसपास के लोगों को देखा होगा, वो सेल्फ मेडिकेशन करते हैं और मेडिकल स्टोर से खुद ही जाके दवाई खरीद लेते हैं, लेकिन ये बहुत ही हानिकारक है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना दवाई खरीदने से वो आपके मेंटल स्टेट को और भी ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है, तो सेल्फ मेडिकेशन को बिल्कुल इग्नोर करें। स्वीकृति की कमी। डिप्रेशन को अक्सर हमारे समाज में एक बहुत ही अलग नज़र से देखा जाता है, जिससे बहुत सारे लोग अपनी बीमारी के बारे में खुलकर बिल्कुल भी बात नहीं कर पाते और शर्मिंदा सा महसूस करते हैं। लेकिन ये ध्यान में रखने वाली बात है कि ये बीमारी अन्य बीमारियों की तरह ही है और ट्रीटेबल है। सोशल मीडिया। आज के समय में सोशल मीडिया हमारे दिनचर्या का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है, लेकिन इस आभासिक जगत से निकल कर हमें वास्तविक संबंधों में रहने की ज़रूरत है। हम नेचर से कनेक्ट करना भूल गए हैं, तो अधिक से अधिक नेचर से कनेक्ट करें, दोस्तों और घर वालों के साथ समय व्यतीत करें। तो ये थी वो 7 बातें जिन्हें आप डिप्रेशन में भूल कर भी ना करें, क्योंकि इनसे आपका मानसिक स्वास्थ्य और भी ज़्यादा बिगड़ सकता है। अगर आपको माइंडरूट फाउंडेशन की ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, जैसे उन तक भी सहायता पहुँच पाए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए। नमस्कार।